हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनअकैडमी इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। दिस सेशन इज फॉर हाउ डू टॉपर्स मेक्स नोट्स। इट्स इम्पॉर्टेंट पार्ट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, बिकॉज दीज 3 मिनट्स कैन इम्प्रूव योर रैंक। ओके, सो जस्ट लिसन मी फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट। ओके, तो नोट्स ऐसा मोस्टली आप देखते हैं कि जो एजुकेटर है वो कॉमन, बट जो नोट्स है वो डिफरेंट होते हैं एज पर स्टूडेंट्स। एंड हम अक्सर अच्छे नोट्स की जीरोक्स की तलाश में भी रहते हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ वे ऑफ राइटिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ वे ऑफ नोट्स, वे ऑफ प्रेजेंटेशन, सो जस्ट लिसन मी केयरफुली बिकॉज इट हैव इम्पोर्टेंट रोल फॉर एनी काइंड ऑफ प्रिपरेशन, एनी सक्सेस। नाउ फर्स्ट थिंग, कि जो नोट्स होता है इट शुड बी इन योर लैंग्वेज, इन योर ओन लैंग्वेज, दैट्स इम्पोर्टेंट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपका नोट्स अगर आप किसी दूसरे का नोट जीरोक्स करा के पढ़ते तो इतना इफिशियंट नहीं होता है, लेकिन अगर आप उसको अपनी राइटिंग में लिखते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड, आपका वे ऑफ राइटिंग। वे ऑफ राइटिंग की अगर मैं बात करता हूँ, नॉट फॉर ओनली नोट्स, अगर आप एग्जाम में भी सपोज दैट कन्वेंशनल पेपर दे रहे हैं, तो आपको पता होगा कि यूपीएससी में अगर कन्वेंशनल पेपर की बात करें, वहाँ 5% तक मार्क्स अप एंड डाउन होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ राइटिंग। 5% की वैल्यू मुझे लगता है आप समझते होंगे। राइटिंग के साथ साथ आपका डायग्राम, अगर आपके नोट्स में डायग्राम का प्रेजेंटेशन है, प्रॉपर है, तो जब आप उसको रिवाइज करते हैं तो इंस्टेंटली यू कैन ग्रैप एवरीथिंग, आपको इंस्टेंटली चीज़ें मिल जाएंगी। तो अगर आपने लिखने के साथ साथ डायग्राम भी बनाया हुआ तो ये काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद अंडर लाइन करके कुछ लोग करते हैं, कुछ ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, उससे क्या होता है कि जो आपका नोट्स होता है वो थोड़ा सा हैचिंग होने लगती है वहाँ पे, वो इतना विजिबल नहीं होता, इजी टू कैप्चरिंग नहीं होता अगर आप उसको रिवाइज करें इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड। जैसे कि अक्सर होता है कि जब हम एग्जाम हमारा अगर आ गया, लास्ट 2 डेज आर देयर, तो हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, तो अगर वो चीज़ें एकदम मैशिंग करके लिखी हुई हैं तो वो इजीली ग्रैप्स होना थोड़ा सा आपके लिए हार्ड हो जाता है। तो उसको अंडरलाइन करने की कोशिश कम करें और चीज़ों को रिलेटिवली पढ़ें। सपोज दैट मैं बोलता हूँ कि अगर हम थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट लॉ के साथ साथ आपके माइंड में तुरंत जीरोथ लॉ भी आना चाहिए, सेकंड लॉ भी आना चाहिए, थर्ड लॉ भी आना चाहिए। तो एक रिलेटिवली चीज़ें पढ़ने का तरीका होता है, सो दैट यू कैन गेट इजीली एवरी लॉ। ओके, तो यहाँ से रिवीजन आपका काफ़ी आसान हो जाता है। ओके, ना इसके बाद मैं अगर बात करता हूँ कैटेगरी की, जो मार्किंग होती है, जैसे हम लोग कई बार करते हैं कैटेगरी की, तो मार्किंग होती है। सपोज दैट मैंने नोट्स बनाया, तो नोट्स में जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको हैशटैग मार्क कर सकता हूँ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं उसको स्टार मार्क कर सकता हूँ। जैसे आपने कोई कंटेंट लिखा और आपको पता है कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ था, तो आप उसको स्टार मार्क करें, ताकि आपको जब जब नोट्स पढ़ रहे हैं तो इजीली आपको पता चले कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है फॉर फ्यूचर एग्जाम्स। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिससे आप इजीली, देखो नोट्स बनाने का मतलब है कि आपका जब रिविजन चल रहा है या लास्ट 2 डेज में आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो कितनी जल्दी अपने सारी चीज़ों को ग्रैप्स कर लेते हैं, सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप मैं बात करता हूँ, सपोज दैट आपका नोटबुक है, तो नोटबुक के राइट साइड पे एकदम फिक्स कर रखें कि जब भी आपको कीवर्ड्स लिखने हैं तो राइट साइड में लिखने हैं, क्योंकि ये अगर आपको पता है कि आप कीवर्ड्स राइट बॉटम या राइट टॉप या राइट साइड पर लिखेंगे, तो जब आप नोट्स पढ़ते हैं तो आपको पता होता है कि कीवर्ड्स कहाँ लिखे हुए हैं, उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है। तो कई बार कीवर्ड्स का मतलब कि सपोज दैट अगर आपका एक पेज का नोट्स है और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 चीज़ें हैं, तो आप उसको कीवर्ड्स में लिख सकते हैं राइट साइड पे, तो ये काफ़ी आसान हो जाता है। मैं फिर से बता दूं, जैसे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप उसको हैशटैग स्टार मार्क कोई सा भी आप सिंबल दे दें, दैट डजंट मैटर। ओके, अगर आपका कुछ आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है तो आप उसको दूसरा साइन दे दें। इसके बाद थर्ड आता है, लास्ट आता है कि सपोज दैट कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपको लगता है कि ये मैं बार बार भूल जाता हूँ, वहाँ पे आप उसको डबल टिक क्रॉस कर दें। जो आपको लगता है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और उसको भी बार बार भूल जाता हूँ, वहाँ आप ट्रिपल ट्रिपल टिक मार्क कर दें। तो ये आपका, इसीलिए मैंने पहले बोला कि आपको जो नोट्स बनाने इन योर ओन लैंग्वेज, आपको पता होना चाहिए स्टार मार्क का मतलब क्या है, हैशटैग मार्क का मतलब क्या है। आई थिंक ये काफ़ी आपके लिए क्लियर होने वाला है, आई थिंक मुझे लगता है कि शायद ये सफिशियंट होगा। और मैं फिर से बता देता हूँ कि नोट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि आप एक बार चीज़ों को पढ़ते हैं, अगर उसको बार बार सिर्फ लर्न कर रहे हैं, तो आई थिंक मुझे लगता है कि अगर आप सपोज दैट आपने नोट्स अच्छा नहीं बनाया, तो आप अभी इस सेशन में इस एजुकेटर से लर्न करेंगे, फिर
फिर दूसरे एजुकेटर से लर्न करेंगे, फिर तीसरे एजुकेटर से, अगर आप मल्टीपल एजुकेटर से लर्न करेंगे काफ़ी सारी मैशिंग होने लगती है और काफ़ी सारे क्वेश्चन जनरेट होने लगते हैं, डाउट्स आने लगते हैं। तो चीज़ें एकदम ट्रांसपेरेंटली एकदम स्मूथली क्लियर हों उसके लिए आपका खुद का नोट्स होना ज़रूरी हो जाता है। तो ये टॉपर्स करते हैं उसको बाइफरकेट करके रखते हैं, कैटेगराइज करके रखते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा पार्ट हम भूल जा रहे हैं। और मैं फिर इसको एक बार बता दूं कि अगर आप राइटिंग के साथ साथ डायग्राम पे जोर दे रहे हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि डायग्राम जो होता है, सपोज दैट एक पेज है, डायग्राम में चीज़ें अच्छे से एलैबोरेट की हुई हैं तो आप उसको कम टाइम में अच्छे से पढ़ सकते हैं। और वे ऑफ राइटिंग में भी आप डायग्राम को इंपॉर्टेंट दें, अगर आपका कन्वेंशनल पेपर है तो आप वहाँ पर डायग्राम जरूर बनाएं अगर बना सकते हैं और उसको वहीं पर एलैबोरेट करें। तो आई थिंक ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स टू वॉचिंग मी।